Today I am going to tell you about a loop control statement in C. जैसा कि पहले हम decision control statement पढ़ा चुके हैं, आशा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम loop control statement पढ़ाएंगे। Use when section of code executed more than once। जब एक ही section को हम कई बार run करते हैं तो वो loop statement में control statement के अंतर्गत आता है। A section of code may either be executed a fixed number of times or unknown numbers of times while some condition is true. Three looping statements are there: while, do while and for. आज हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे डिटेल में। The while loop: certain group of statements are to be executed repeatedly depending upon a certain test condition. Their while statement is used, the syntax is as follows. बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं बार बार किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो वो while लूप के अंदर गत आता है। इसका सिंटैक्स है while test condition, body of the loop where we write the statement, और इसका एग्जाम्पल है कि how to calculate the factorial of given number, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दो लाइब्रेरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, stdio.h एंड math.h। मेन फंक्शन ओपन करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे, x और fact इक्वल्स टू 1, एंटर एनी नंबर। अब हम कोई एक नंबर एंटर करेंगे x में, जिसको स्कैन करेंगे, परसेंट डी इंटीजर फॉर्म में लेंगे और वाइल का लूप चलाएंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0। बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब हम उसमें स्कैन करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू, वाइल का लूप तब तक चलेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। और फैक्टोरियल निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू एक्स करेंगे। अब एक्स क्या है हमारा, मान लीजिए 5 लेते हैं, तो 5 पहली बार फैक्टोरियल में 1 है, 1 इसीलिए लिया है कि अगर बाय डिफॉल्ट 0 होगा तो जो भी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी, तो उसको हमने 1 रख दिया फैक्ट में और एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो पहली बार 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा, तो 4 हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि 4 बड़ा है 0 से, तो फिर वो यहाँ आएगा। अब 5 इंटू 4 करेगा तो 20 हो जाएगा, फिर आ जाएंगे माइनस होगा 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 180 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टोरियल निकल आएगा और हम इसको फिर प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल इज परसेंट डी फैक्ट। आउटपुट क्या हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पर इसने दूसरा वैल्यू लिया है, एंटर द फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का 4 आ जाएगा 24। 4 3 is 12, 12 2 is 24। द डू वाइल लूप: इट इज अ सिमिलर टू वाइल लूप, डिफरेंस इज दैट द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है, तो पहला वाला प्रिंट आउट जो होता है वो हो ही जाता है हर हालत में, क्योंकि इसका सिंटैक्स क्या है, डू करली ब्रैकेट स्टेटमेंट वाइल टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लगेगी। अब इसका एग्जांपल समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 10 इवन नंबर हमें प्रिंट करने। अब इवन नंबर आप जानते होंगे 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, जो 2 से डिविजिबल हो। इंक्लूड stdio.h करेंगे, मेन करेंगे, इंट आयो करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करना हमको। अब क्या करेंगे, अभी इसने डिवाइड नहीं किया, इसने सीधे प्रिंट कर दिया है, तो डू प्रिंट एफ परसेंट डी जे। इस प्रोग्राम में उसको j की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और i को एज अ काउंटर लिया है, तो i इक्वल्स टू i प्लस 1। जब पहला 2 प्रिंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी और तब तक
ये लूप चलेगा जब तक कि 10 नहीं हो जाता है। तो इस तरह से 10 से कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये j की वैल्यू को हर बार 2 बढ़ाता जाएगा और 20 तक प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम डू बाई लूप चला सकते हैं। अब आया थर्ड फॉर लूप, यूज्ड वेयर नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ लूप इज नोन बिफोर द लूप इज एंटर्ड। यहाँ पे हमें ये फिक्स हो कि ये लूप कितनी बार चलेगा, वो वहाँ पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। और जनरली लोग ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ फिक्स होती है। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं सिंटैक्स में। पहला है वेरिएबल लूप के स्टार्टिंग को इनिशलाइज करते हैं, फिर कंडीशन रखते हैं जो चेक करता है कि लूप एग्जिट करेगा कि नहीं, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट तब होगा जब इनिशियल वैल्यू कम होगी, और डिक्रीमेंट तब होगा जब इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसमें करली ब्रैकेट में जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो रखेंगे। अब इस फॉर लूप के कुछ स्पेशल डिज़ाइन होती है, टू परफॉर्म अ रिपीटेटिव एक्शन विद अ काउंटर वर्क इन अ फॉलोइंग मैनर। इस तरह से लूप फॉर लूप वर्क करता है, जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, इनिशियल वैल्यू सेटिंग फॉर द काउंटर वेरिएबल। अब फॉर में काउंट ही तो होता है ना कि लूप कितनी बार चलेगा, तो इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले काउंटर वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं। कंडीशन चेक इफ इट इज ट्रू द लूप कंटिन्यू, अदरवाइज लूप फिनिश एंड स्टेटमेंट इज स्किप। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप में सेकेंड स्टेप पे आकर के फिर से परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, और अदरवाइज एग्जिट हो जाता है। स्टेटमेंट्स इज आर एग्जीक्यूटेड एज यूजुअल। इट्स कैन बी सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड क्लोज विद इन द करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आता है वो स्टेटमेंट होता है, और वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। फाइनली वॉट एवर इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट डिफाइंड इन अ वेरिएबल एग्जीक्यूटेड एंड लूप गेट बैक टू द स्टेप 2 कंडीशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉर लूप। तो फाइनली क्या होता है, जब कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो वो वहाँ पे सेकेंड स्टेप पे जाएगा फॉर के। अभी आगे जब हम लोग इसका एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड स्टेप कहाँ हुआ। सेकेंड स्टेप जहाँ से करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस और डिक्रीमेंट मीन माइनस माइनस। इंक्रीमेंट अकर्स व्हेन इनिशियल वैल्यू इज लेस देन द कंडीशन फाइनल वैल्यू, और डिक्रीमेंट अकर्स व्हेन द इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द कंडीशनल फाइनल वैल्यू। तो अभी वो जो हमने ऊपर बताया कि कब इंक्रीमेंट होगा कब डिक्रीमेंट होगा। वेरियस फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट कैन बी एज फॉलोज। अब इसके डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम तीनों कंडीशंस को डिफाइन करें। नो इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइज बिफोर फॉर लूप। अब यहाँ पे अगर हम सेमी कोलन पहले लगाते तो कंडीशन लगाते और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन को डिफाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के पहले हमने इनिशियल कंडीशन को डिफाइन कर दिया है। नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विद इन बट लूप आफ्टर लूप, बट डिफाइन आफ्टर लूप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को क्या करते हैं, आपकी इनिशियलाइज नहीं किया और नहीं लिया, और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को लिया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बॉडी के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर ले लिया। नो टेस्ट कंडीशन टू कंट्रोल एग्जिट। अब थर्ड कंडीशन क्या है, जब हमने कंडीशन ही नहीं लिया है और उसको फॉर लूप के अंदर ले लिया है, तो कंडीशन अगर वहाँ पे होगी तो या तो ब्रेक हो जाएगा लूप या तो कंटिन्यू होता रहेगा। फोर्थ कंडीशन है इनिशियलाइजेशन रिक्वायर टू बी डन बिफोर द लूप एंड टेस्ट कंडीशन इज चेक इनसाइड द लूप। अब इसमें क्या होगा, इनसाइड लूप में कंडीशन को हम चेक करेंगे। अब देखो इनिशियलाइजेशन भी नहीं लिया और कंडीशन भी नहीं लिया, केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिया है, तो कंडीशन भी हम करली ब्रैकेट के अंदर करेंगे और इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के पहले करेंगे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम केवल देंगे। टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज टू बी डन इनसाइड द लूप।
अब इसमें केवल इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लूप के अंदर लिया, इनिशियलाइजेशन बिफोर द लूप एंड डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इनसाइड द लूप। अब केवल कंडीशन लिया है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से हम फॉर लूप को लिख सकते हैं। इवन हम फॉर लूप में कोई भी चीज़ ना दें तब भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले कर लेंगे, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लूप के अंदर करेंगे। टू लूप्स कैन बी डिफाइंड टुगेदर यूजिंग कॉमा स्टेटमेंट। जैसा कि हमने कॉमा स्टेटमेंट पढ़ाते समय बताया था कि फॉर लूप के अंदर दो लूप हम एक साथ चला सकते हैं, जिसमें i इक्वल्स टू जीरो, j इक्वल्स टू फोर, i लेस देन j और j ग्रेटर देन जीरो, i प्लस प्लस, j माइनस माइनस। अब i जीरो से स्टार्ट है, j फोर से स्टार्ट है, कंडीशन है कि i तब तक काम करे जब तक कि j से कम है, और j तब तक काम करे जब तक कि जीरो से बड़ा है। i को प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि i कम है, और j को माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि j हमारा बड़ा है। तो आधे पे आकर के ये कंडीशन को एग्जिट कर जाएगा। प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट अ 10 नेचुरल नंबर। अब सिंपल प्रोग्राम में लिया आपको समझाने के लिए कि 10 नेचुरल नंबर्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे। इसमें देखिए हमने लिया आई और एन, एन को एंटर करा लिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा कि कहाँ तक प्रिंट करना है। आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, प्रिंट परसेंट डी आई। अब आउटपुट क्या होगा, एंटर वैल्यू ऑफ एन, हमने 6 डाला, तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि 6 तक ही लूप चलेगा और उसमें आई की वैल्यू 6 तक बढ़ेगी। प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग फॉर्मेट, दिस इज वन लूप में बी इनसाइड अनदर। अब नेस्टेड लूप में क्या होगा कि दो लूप आएगा और हम अपने पैटर्न्स को फॉर लूप में प्रिंट कर पाएंगे। पैटर्न्स पे एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं फॉर लूप या व्हाइल लूप के थ्रू से, जिसके थ्रू आप पैटर्न्स बना सकते हैं। अभी एक सिंपल पैटर्न लिया है जिसमें हमने दो लूप लिया, फॉर का लूप लिया 1 2 4, क्योंकि 1 2 3 4 रो है, और उसको स्टार्ट किया, और आई को जे को जो लिया है वो कहाँ तक लेंगे, हर बार आई तक लेंगे, मतलब 4 रो और 4 कॉलम हैं आपके और उसको प्रिंट करना है। तो आई को जब हम 1 लेंगे तो प्रिंट आई होगा, पहली बार 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस जे, तो अब पहली बार क्या होगा, प्रिंट होगा 1, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2। अब यहाँ पे देखिए टैब लगा है, तो टैब लगा है तो क्या होगा, वो टैब लगा होने से वहाँ पर, और प्लस प्लस पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू आई जे की नहीं दी है, तो वो इनिशियल वैल्यू आपकी बढ़ा देगा पहले और तब प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कायदे से नहीं, ठीक है, आई ही लिया। अब यहाँ पे आए हम नीचे और इस ये इस आउटपुट इसका यही आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इंटरेशन इन नेस्टेड लूप, अब कैसे ये पता करें कि कौन सा लूप कितनी बार चलेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। HMS 3 वेरिएबल लिया है, इसको क्लियर स्क्रीन किया है। H 2 तक चलेगा, M 2 इंटरेशन चलेगा, और S 2 इंटरेशन चलेगा। अब हमने इसको प्रिंट किया तीनों को, तो पहली बार सब में 1 प्रिंट हो जाएगा, और डिले लूप लगा दिया कि थोड़ी देर वो स्क्रीन पे दिखता रहे, और इसके बाद CLRSCR किया, नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर जाएगा, अब की कहाँ जाएगा, S पे जाएगा, क्योंकि S 2 बार चलना है। तो पहली बार 1 1 2 प्रिंट करेगा, 1 1 1 करेगा, दूसरी बार 1 1 2 कर देगा। अब जब इससे बाहर निकलेगा लूप, तो M वाले लूप पे जाएगा। M वाले लूप पे क्या होगा, M की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पहली बार 1 2 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 2 करेगा, फिर उसके बाद जब M से निकलेगा लूप तो H पे चला जाएगा। H पे जाएगा तो अब वैल्यू 2 हो गई है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 1 1 कर देगा। फिर S में जाके 2 1 2 कर देगा, फिर यहाँ पे वैल्यू जब 2 होगी तो 2 1 2 2
वन करेगा, फिर इसमें यहाँ पर जब वैल्यू जाएगी तो टू 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 करेगा और एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा लूप कितनी बार चला, पहला लूप 2 बार चलेगा, दूसरा लूप 4 बार चलेगा और तीसरा लूप 8 बार चलेगा, क्योंकि पहले वन के लिए ये 2 बार चलेगा और पहले वन के लिए ये 2 बार चलेगा, अब इसके टू के लिए ये 2 बार चलेगा, फिर इसके टू के लिए ये 2 बार चलेगा। तो इस तरह से हमारे लूप का इंटीग्रेशन कितनी बार चलेगा हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वैलिड और इनवैलिड फॉर लूप, अब लूप वैलिड है कि इनवैलिड है इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो वैलिड लूप कब होगा, जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप रखेंगे लेकिन वो क्रॉस नहीं होगा, और गो टू स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो गो टू आउटसाइड हमने जब लिखा तो आउटसाइड नाम का एक लेबल बन गया जो जिस पर हमने लिखा प्रिंट एफ ओवर। तो जब जे की वैल्यू 2 हो तो हमने कहा कि वो लूप से बाहर आ जाए, और ये लूप करेक्ट है, क्यों, क्योंकि लूप के बाहर तो हम आ सकते हैं लेकिन लूप के अंदर नहीं जा सकते, ये वापस ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, ये वो रॉन्ग है। कैन जम्प इन साइड द लूप, लूप के अंदर जंप कर सकते हैं लेकिन लूप के बाहर कर सकते हैं लेकिन लूप के बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर गो टू इन साइड अब लूप के अंदर ही अंदर जंप कर रहा है तो वो वैलिड है, क्योंकि प्रिंट इन साइड जे लूप, आप लूप के अंदर ही प्रिंट कर रहा है तो ये वैलिड है। लेकिन जब आप किसी लूप में बाहर हैं तो इनवैलिड लूप कब होगा, गो टू इन साइड, अब आपने फॉर लूप जे था जिससे जंप करके आई में जाना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि उससे वेरिएबल की वैल्यू अफेक्ट करेगी और प्रोग्रामिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपने जब इनसाइड पे भेजेगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो जाएगा ही नहीं। सो टू लूप कैनॉट क्रॉस ईच अदर, अगर आई स्टार्ट किया है तो और उसके अंदर जे डाला है तो पहले जे खत्म होगा तब फिर आई को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। सो व्हेन आई लूप स्टार्ट फर्स्ट द एंड आफ्टर जे लूप एंड जे स्टार्ट इनसाइड लूप, सो जे स्टॉप फर्स्ट देन आई, आई के पहले जे को स्टॉप करना पड़ेगा, बाद में स्टॉप नहीं कर सकता है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, टुमारो आई विल टेक द जंप स्टेटमेंट, हालांकि हमने गो टू इसमें पढ़ा दिया है लेकिन जंप स्टेटमेंट के कई स्टेटमेंट हैं जो हम कल पूरा क्लियर करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि बहुत अधिक पढ़ा देने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और मोनोटोनस हो जाता है। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे, इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू कम्युनिटी एंड कमेंट देयर एंड answer on poll. Thank you.